मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजू शर्मा, नव भारती पीटी कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका टॉपिक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय में ज्ञान का टॉपिक हमारा स्टार्ट था। हमने जो पिछले वीडियो में देखा, उसमें हमने देखा कि ज्ञान होता क्या है। हमारा टॉपिक था ज्ञान, कि ज्ञान आपके होता क्या है। इसमें मैंने आपको ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की प्रकृति आदि के बारे में आपको बताया, और साथ में ही मैंने विभिन्न विभिन्न विद्वानों की, शिक्षक विद्वानों की मैंने आपको डेफिनेशन दी। इसी में मैंने आगे जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा ज्ञान की प्रकृति, जिसमें मैंने आपको प्रथम जो प्रकृति बताई उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्ञान एक चेतन है, अर्थात ज्ञान हमारी बुद्धि है। अर्थात जब तक ज्ञान में हम चेतना नहीं होगी, चेतन अवस्था नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान की नहीं कर सकते हैं। कहा जाए तो हम ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रसारित तो नहीं करते। सेकंड जो था वो मैंने बताया था कि ज्ञान है वो हमारी शब्द है, शब्दों का प्रभाव। अर्थात हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसे हम किस शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, हमारे शब्दों की प्रभावशीलता उसमें दिखाई पड़ती है। शब्दों के बाद में जो था वो था हमारा भाषा का माध्यम, कि हम किस तरीके से हम जो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं उसमें हमारे ज्ञान की जो माध्यम है, हमारा ज्ञान की जो भाषा है हमारी, वो किस तरीके की, अर्थात जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को उसमें हमें हमारा जो प्रभाव है या नहीं, अर्थात हमारी भाषा का माध्यम हमेशा प्रभावी होना चाहिए, जिससे कि हम सामने अच्छे से अपने सामने हम ज्ञान को अच्छे से प्रदर्शित कर सके। चौथा था जो मैंने बताया था कि ज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमारा है आगे का, कि ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि यह प्रक्रिया, जैसे हमने कहा है कि शिक्षा भी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन शिक्षा के अंदर ज्ञान हमारी एक क्रिया होती है। जहां ज्ञान शब्द शिक्षा के अंदर है तो हम देख सकते हैं उसमें कि ज्ञान शिक्षा के अंदर हमारा एक वर्ग क्रिया करती है, वर्ग है, अर्थात वर्ग का मतलब क्रिया। यानी कि जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो प्रक्रिया के रूप में है, लेकिन जब हम प्रक्रिया के रूप में, लेकिन ज्ञान हमारा वहां क्रिया के रूप में है। इसीलिए यह शिक्षा की, यह शिक्षा में क्रिया का रूप है। अब हम देखते हैं, जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे, कहा जाता है कि ज्ञान एक संश्लेषण प्रक्रिया है। ज्ञान संश्लेषण प्रक्रिया है, अर्थात जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हम विभिन्न विभिन्न बिंदुओं को हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम संश्लेषण में लें एक संगीत हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम संगीत का ज्ञान देते हैं, संगीत का ज्ञान हम देते हैं तो संगीत की, अगर हमें धुन बनाने का भी हमने ज्ञान दिया है, तो हम संगीत के साथ साथ जो संगीत का हमारे जो माध्यम होते हैं उसके वाद्य यंत्र, उनसे जोड़ते हुए हम उस संगीत का ज्ञान देते हैं। अर्थात संगीत के लिए हमें उसके वाद्य यंत्र, उसके माध्यम चलाने का, उसे किस तरीके से संगीत से हम जोड़ सकते हैं, ये सारा हमें सिखाया जाता है। अर्थात कहें कि संश्लेषण एक प्रक्रिया है ज्ञान की। जब संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो हम ज्ञान का विभाजन भी करते हैं, और ज्ञान का विभाजन करके हम देखते हैं तो एक विश्लेषण प्रक्रिया में आ जाता है। विश्लेषण प्रक्रिया, जिसमें हम देखें कि एक गाय है, गाय का हम देखें कि गाय का, अगर हम गाय देखें या किसी के हम स्वाद को देखें कि हमने रंग रूप देख लिया उसका, लेकिन हमें उसका विश्लेषण करना कि ये मीठी क्यों है, ये खट्टी क्यों नहीं है, इसका रंग ऐसा क्यों है, तो जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम उसके विभिन्न विभिन्न भागों का विश्लेषण करते हैं।
होता है, अर्थात जो हमको दिखाई नहीं देता। इसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो कि हम आस्था आध्यात्मिक ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारा एक अमूर्त ज्ञान है, वो हमें कहीं से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जिस पर आस्था करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो हम उसको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। तो ज्ञान एक अमूर्त प्रक्रिया होती है, अमूर्त होता है ज्ञान। एक है हमारा ज्ञान मानसिक प्रक्रिया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे मनोविज्ञान में एक शब्द जोड़ा है कि ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है इसमें अगर हम करें संज्ञान, संज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम पहचाने, और प्रत्यक्षीकरण जो हम करते हैं वो हमारी मानसिक योग्यता, यानी संज्ञानात्मक हमारी मानसिक योग्यता है। और मानसिक योग्यता जब ही तक पाई है जब हम किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष में कि रियली में ये हमारी चीज सही है। अर्थात कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो बिना मानसिक प्रक्रिया के नहीं चलता, उसमें हमारी संज्ञानात्मक भूमि, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। ये थी हमारी ज्ञान की प्रकृति। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत कि ज्ञान हम किन किन माध्यमों से, किन किन स्रोतों के माध्यम से लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया अगर हम विभाजन करें ज्ञान का, तो ज्ञान के जो स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक प्राथमिक स्रोत व द्वितीयक स्रोत। आप इनके अंदर भी हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के हम अंदर हम इनका विभाजन करते हैं, तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है हमारा ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ज्ञानेंद्रिय अनुभव, यानी कि हमारे शरीर में जो पांच इंद्रियां होती हैं, नाक आंख जीभ त्वचा आदि का जो हमारे अनुभव करवाती है, जिसका हमें ज्ञान देती है, वो हमारा ज्ञानेंद्रिय अनुभव के अंतर्गत आता है। और ये कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम ये अनुभव हमें प्राप्त होता है कि हमें किस चीज से हमें गर्म लगता है, किस चीज से, तो ये हमारे इंद्रिय अनुभव होते हैं, इनके माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों का जो होता है, पांच इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वे ज्ञानेंद्रिय अनुभव की श्रेणी में आते हैं, कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें कौन कौन सा मिलता है। दूसरा आता है हमारे द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत कहा जाता है, द्वितीयक स्रोत जो है वो हमें माध्यमों के माध्यम से मानते हैं, तो इसमें हम सर्वप्रथम जो देखेंगे वो होता है साक्ष्य, जिसका अर्थ हम मान सकते हैं सबूत। जब हम किसी से भी किसी चीज का निर्णय मानते हैं या हम ज्ञान लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क में जो प्रश्न और जो विचार उठते हैं वो ये होता है कि हम उस चीज के बारे में साक्ष्य मानते हैं। जैसे कि हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ताजमहल, कि ताजमहल क्यों बनाया गया था, या हम किसी से पूछे कि अगर आपने ताजमहल देखा है तो बताइए कि ताजमहल कैसा दिखाई देता है, उस टाइम वो अपना जो ऑब्जर्वेशन, जो खुद निरीक्षण करके आया व्यक्ति, वो आपको साक्ष्य अर्थात सबूत बताएगा कि मैं वहां गया, मैंने ताजमहल देखा, ताजमहल की रचना ऐसी है, ताजमहल ऐसा दिखाई देता है, ताजमहल का रंग ऐसा है, ताजमहल इस तरीके से बनाया गया है, वहां पर उसकी पूरी जो भी कहानी, जो उनकी परिचय है, वो सब कुछ वहां लिखा हुआ है। तो अर्थात हम साक्ष्य में हम सामने वाले से, यानी दूसरे व्यक्ति से हम अनुभव लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति का किए हुए ऑब्जर्वेशन निरीक्षण को हम साक्ष्य मानते हैं और उन्हीं से हम उसकी चीज का प्रूफ मानते हैं। सेकंड जो आता है हमारा, फर्स्ट है हमारा साक्ष्य, सेकंड है हमारा तर्क, तार्किक चिंतन,
चिंतन। अर्थात साक्ष्य में हम सबूत मांगते हैं, तार्किक चिंतन में हम तर्क वितर्क करते हैं कि क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है। इसमें हम अपने चिंतन का तार्किक चिंतन हमारी मानसिक योग्यता की बुद्धि से सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर हम सामने वाले व्यक्ति के सामने हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसी में हमारे तर्क वितर्क चलता है। जैसे जिसमें हम अंतर मन से सोचे, अंतर बुद्धि से सोचे, वो होता है तार्किक चिंतन, जिसमें हम तर्क के आधार पर चिंतन करते हैं। तर्क में हमारे पास प्रमाण, जब हमारे पास प्रमाण होगा तो हम चिंतन करेंगे। ये हमारा तार्किक चिंतन एक सोचने और समझने की प्रक्रिया होती है, या हम बहुत ही गहराई से सोचते हैं कि ये काम इस तरह से कैसे हुआ या हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा सत्ताधिकारी। सिंपल शब्द में हम यहां पर अगर ज्ञान के लिए प्रयोग करें तो हम यहां पर विषय विशेषज्ञ का नाम दे सकते हैं। सत्ता अधिकारी अर्थात जिसके हाथ में सत्ता हो, और सत्ता उसी के हाथ में होती है जहां पर हमें जिस विषय का ज्ञान होता है। अगर हमें उस विषय का ज्ञान होगा तो हमारे हाथ में हमारी विषय की सत्ता रहेगी। जैसे हम एक देखें कि अगर कोई नेता है और वो जिस पार्टी में है, वो पार्टी में उसका पावर चलता है तो हमेशा उसी का ही पावर चलेगा। अगर हमें हमारी विषय का ज्ञान होगा, हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे हम उस चीज में, तो सभी हमारे आगे झुकेंगे और हम अपने प्रमाण को, हमारे ज्ञान को हम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रसारित कर सकते हैं। अगर हमारा पावर अच्छा हुआ, हमारा विषय का पावर अच्छा हुआ तो हमें अच्छे से हम बता सकते हैं। चौथा है हमारा जो है अंतः प्रज्ञा या अंतः दृष्टि। अंतः प्रज्ञा व अंतः दृष्टि, अंतः प्रज्ञा, अंतः यानी अंदर, प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि जो हम सोचते हैं, यानी अंतर मन की बुद्धि, यानी हमारे आंतरिक, हमारी आत्मा किस चीज को क्या कहते हैं। अंतर दृष्टि वही अंतर यानी आंतरिक, और दृष्टि यानी हमारी सोच, हमारी रचना, हमारी नजर कि हमारी आंतरिक रचना क्या कहती है। इसे हम सिंपल कहें तो आध्यात्मिक, आत्मा से सोचने वाला। कहीं हमारा कोई विश्वास, कोई कार्य हम करते हैं तो वहां हम अपने मन से भी सोचते हैं, ज्ञान का मस्तिष्क हमारी प्रक्रिया करती है। लेकिन जब तक हमारा मन जिस चीज के लिए मानता नहीं है, हम उस कार्य को नहीं करते, यानी कि हमारी आंतरिक सूझ या आंतरिक बुद्धि, अंतर्प्रज्ञा हमारी आंतरिक सोच, हमारी आंतरिक दृष्टि कि हम किस तरीके से अंदर मन में इस चीज को सोचते हैं कि किस तरीके से हम इस कार्य को कर सकते हैं, या हमने जो कार्य किया है वो हमारा कार्य सही है या नहीं। ये हमारे होते हैं ज्ञान के स्रोत, जो कि ज्ञान के स्रोत को हमने दो भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें हमारा है ज्ञानेंद्रियों का अनुभव, कि किस तरीके से हम, हमारा जो प्रथम स्रोत है वो ज्ञानेंद्रियों का अनुभव है, कि किस तरह से हम ज्ञानेंद्रियों का अनुभव ग्रहण करते हैं और उसी के माध्यम से हम उस ज्ञान का प्रसार करते हैं। सेकंड जो था हमारा द्वितीयक स्रोत, उसमें मैंने आपको बताया साक्ष्य, तार्किक चिंतन। जो हमारा थर्ड था हमारा अंतः प्रज्ञा व अंतः दृष्टि, कि किस तरह से हमारा आंतरिक, जहाँ ज्ञान में हमारी मानसिक योग्यता का समावेश होता है, उसी तरह से हमारे आंतरिक, आंतरिक मन का भी होता है कि हम किस चीज को अंतः मन से स्वीकार करते हैं। जो हमारा मन स्वीकार करता है कि हमारा की कार्य सही है या नहीं, यानी हम जो भी ज्ञान लेते हैं उसके अंदर हमारे अंतःमन की
होती है। ये है हमारे ज्ञान के स्रोत, यानी कि हम जब भी जिस चीज को कहते हैं कि प्रत्येक चीज को पाने के लिए किसी ने किसी स्रोतों का किसी ने किसी चीज को माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ज्ञान को देखें तो ज्ञान हम इन चार स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि हम किस तरीके से ज्ञान के स्रोतों को माध्यम से बनाते हैं और इसके द्वारा हम ज्ञान की पूर्ति करते हैं, ज्ञान का प्रसारण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ज्ञान की आवश्यकता कि हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है या ज्ञान का महत्व क्यों है। ज्ञान की एवं महत्व, सिंपल चीज में देखें, हमने कहा कि ज्ञान हमें किसी भी वस्तु का सामान्य जानकारी प्राप्त करवा देती है। हमें यानी किसी चीज के बारे में जानना है, समझना है, तो वही हमारा ज्ञान होता है। हम सिंपल जीवन में देखें कि ज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों है, क्या हम ज्ञान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी हमें ना हो हम कार्य नहीं कर सकते। ज्ञान के लिए हमें प्रत्येक चीज की आवश्यकता होती है कि हमारे, अब हम सिंपल तरीके से देखें कि ज्ञान में ज्ञान क्यों आवश्यकता है। ज्ञान हमारी मानसिक योग्यता में विकास करता है, अर्थात जब हम देखें कि ज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ रही है तभी तो हम मस्तिष्क में सोचेंगे। कहते हैं ना कि ज्ञान विचार है, जब तक हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो हम कार्य कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में हमारे मन में विचार है तो वो विचार हमारी मानसिक योग्यता है, यानी कि विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले हैं और मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली क्रिया हमारी मानसिक योग्यता होती है। कि जब तक हम मानसिक तौर पर हम सोचेंगे समझेंगे हम तभी उस कार्य को करेंगे। सेकेंड है हमारा ज्ञान से सांस्कृतिक विकास होता है। जब स्टूडेंट या विद्यार्थी विद्यालय या महाविद्यालय में आते हैं तो वहां पर जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसमें वो हिस्सा लेते हैं, कुछ उसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ उस चीज को देखते हैं, अर्थात इस महाविद्यालय की संस्कृति क्या है इसकी जो उसको पता चलता है, वो जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे देखेगा नहीं, उसे जानेगा नहीं, तो उसे संस्कृति का विकास नहीं होगा। हम अपने कल्चर को ही ले, जब तक हमें हमारे घर में हमें हमारी संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाएगा या हम नहीं सोचेंगे तो वो हम किस तरह से चुना कर सकते हैं। इसीलिए सांस्कृतिक प्रसार हेतु, संस्कृति के विकास के हेतु हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। समाज में होने वाली विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे समाज के विकास की, हम किस तरह से हमारे समाज में, इस समाज में रहते हुए हम इस समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आप अपने सामने अगर कोई गलत होता देखेंगे तो आपके दिमाग में जरूर ये बात होगी कि किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं, और आप उसी चीज के जानने की कोशिश करना शुरू कर देंगे कि आखिर ये बात गलत है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, जो बुराई व्याप्त हो रही है हमारे समाज में हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। फिर हम उस चीज के बारे में ज्ञान जुटाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये बुराई कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, या हम इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर हमारे समाज से ये सब डिमांड, ये सब बुराइयां दूर होती है तो वो हमारे समाज के विकास के लिए लाभदायक होगा और हमारे समाज का विकास होता चला जाएगा। जो चौथा है व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति विकास यानी कि व्यक्ति का क्षमता विचार, इसमें हम कह सकते हैं
व्यक्ति का विकास या नैतिक विकास कह सकते हैं हम, नैतिक विकास। एक ज्ञान ही होता है जो कि हमें सदाचारी बनाता है, यानी कि हमें एक अच्छे आचरण और एक नैतिक विचारों वाला व्यक्ति बनाने के लिए ज्ञान की अहम भूमिका होती है। हम जब विद्यालय महाविद्यालय, जब तक हम परिवार में रहते हैं, तब हमें इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं होता कि क्योंकि हमारे परिवार में सभी हमारे अपने होते हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमारी गलतियों को दबा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब नैतिक विकास के चरण देखें तो ये जो ज्ञान है हमें उचित तौर से हमारे विद्यालय महाविद्यालय से प्राप्त होने लगता है। यहाँ हमें अपने सही आचरण का या हमने जो सही कार्य किया है या नहीं उसकी एनालिसिस शुरू हो जाती है कि हमने ये कार्य सही किया है या नहीं। यहाँ हमें टोका टोकी शुरू होती है कि नहीं, ये कार्य हमारा गलत है और ये कार्य हमारा सही है। अर्थात ज्ञान हम लेना शुरू करते हैं जब ही हमारे नैतिक विकास में जो हमारा खुद का चरित्र है, नैतिक विकास या चारित्रिक विकास हमारे चरित्र में हम हमारा विकास होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है। अर्थात नैतिक विकास चारित्रिक विकास में ज्ञान की अहम भूमिका होती है। इसीलिए हमें ज्ञान की इस चीज की आवश्यकता पड़ती है कि हम किस तरह से हमारा नैतिक विकास चारित्रिक विकास कर सकते हैं। हम पांचवें पॉइंट में देखें तो संतुलन का विकास, अर्थात हम जहां परिवार में अकेले रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन इसी के बाद हम वहां हमारे सारे अपने होते हैं, लेकिन जब महाविद्यालय विद्यालय में आते हैं तो हम अपने बहन भाइयों से, माता पिता से, हमारे परिवार जनों से बाहर निकल के हम जब आते हैं तो हमारे साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ हमें संतुलन बिठाना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस तरह से उनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं, किस तरह से हम हमारे साथ, यहाँ हमारे शिक्षक जो होते हैं वो भी हमारे अपने नहीं होते और विद्यार्थी, यही ज्ञान हमें यहाँ शिक्षक के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है इस चीज का, इस संतुलन का, कि हमें किस तरह से बैलेंस रखना है हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जो हमारे साथ सहपाठी हमारे पढ़ रहे हैं उनके साथ और गुरुजनों के साथ। तो हमारा जो संतुलन का विकास होता है वो हमारे ज्ञान से प्राप्त होता है, हम इसी चीज का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हमें किस तरह से महाविद्यालय में रहना है। ये होता है हमारा संतुलन का विकास। सिक्स पॉइंट में हम देखें तो अवकाश का सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग, किस तरह से हम हमारे जो छुट्टी का दिन है वो हमें प्राप्त होता है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आज हमारे पॉइंट जो मैंने पढ़ाया आपको, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व। जो आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। इसे देखते रहिए, जो भी गलती हो उसे बता।